हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, एनाग्राम्स। अगर आप चैनल पे न्यू हैं और वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एनाग्राम्स किन्हें कहते हैं, ये कौन से वर्ड्स होते हैं? एन एनाग्राम इज अ वर्ड और फ्रेज formed by changing the order of the letters in another word or phrase. Anagram वो words होते हैं जो बनते हैं, कब बनते हैं? जब हम एक किसी meaningful word को या phrase को उसके letter का जो order है, जो उसमें letters हैं उस word में, उनका order change कर दें और एक meaningful ही word या phrase बन के आए नया, तो वो जो नया शब्द आएगा उसको बोलेंगे एनाग्राम्स। इन शॉर्ट, शब्द बदलकर नया शब्द बनाना, आप ये बोल सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक वर्ड गिवन है उसमें आपने लेटर का ऑर्डर चेंज किया और जो न्यू वर्ड आया उसको बोलेंगे एनाग्राम्स। फॉर एग्जांपल, बी यू टी बट, इसमें हमने लेटर्स का ऑर्डर चेंज किया तो हमारे पास एक नया वर्ड बन के आया है, टी यू बी टब। तो ये जो नया वर्ड है इसको बोलेंगे एनाग्राम। एल आई पी एस, लिप्स, इसका एनाग्राम देखिए क्या बनाया है, एस एल आई पी। अब हम एनाग्राम्स पे बेस्ड कुछ एक्सरसाइज सोल्व करते हैं। मेक एनाग्राम्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स, आपको जो ये गिवन वर्ड्स हैं इनके एनाग्राम्स बनाने हैं। ठीक है, जैसे कि डब्ल्यू ए एस, वॉज, इसका एनाग्राम क्या होगा देखिए, एस ए डब्ल्यू। सो एफ एल ओ डब्ल्यू, इसका एनाग्राम बनाना है आपको। तो इसमें देखिए कोई भी मीनिंगफुल आपको वर्ड क्या बनता नजर आ रहा है, डब्ल्यू ओ एल एफ, वोल्फ। ठीक है, एल ए टी ई, लेट, इसका एनाग्राम क्या होगा? तो जो इसमें लेटर्स आपको गिवन हैं इनका आपको ऑर्डर चेंज करना है और इस तरह से चेंज करके नया वर्ड बनाना है और जो न्यू वर्ड बन के आए वो मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक है, तो इसका एनाग्राम होगा टी ए एल ई, टेल। पी ओ एस टी, इसका एनाग्राम होगा एस टी ओ पी। रेस का एनाग्राम होगा सी ए आर ई, केयर। एल आई एस टी ई एन, लिसन, इसका एनाग्राम बनाना है आपको एस आई एल ई एन टी, साइलेंट। अब नेक्स्ट है देखिए लैम्प, लैम्प का एनाग्राम होगा P A L M, पाम। लेमन, M E L O N, मेलन। ओके, इस तरह से एनाग्राम्स बनाते हैं। A R C, आर्क, इसका एनाग्राम होगा C A R। I N C H, इंच, इस वर्ड का एनाग्राम बनाना है आपको C H I N, चिन। नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखिए जो भी वर्ड्स पिंक कलर से हाइलाइटेड हैं उन वर्ड्स का आपको एनाग्राम बनाना है। ठीक है, और जो इंस्ट्रक्शन आपको दी गई हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको एनाग्राम चेंज करना है। फॉर एग्जांपल, चेंज चीप इनटू अ फ्रूट, यहाँ पे जो वर्ड चीप है इसका एनाग्राम जो आप बनाएंगे वो एक फ्रूट का नेम होना चाहिए। तो आप देखिए चीप में जो जितने भी लेटर हैं उनका ऑर्डर चेंज करके देखिए कोई एक फ्रूट का नाम बनेगा जो कि आपका चीप वर्ड का एनाग्राम होगा। तो चीप का एनाग्राम होगा पी ई ए सी एच, पीच। चेंज हर्ट इनटू अ प्लैनेट, हर्ट को आपको चेंज करके किसी प्लैनेट के नेम में बनाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ई ए आर टी एच, अर्थ। अर्थ एक प्लैनेट है ना, इसी तरह से
चेंज थिकन इन टू अ प्लेस वेयर यू कुक. ओके, थिकन जो वर्ड है उसका एनाग्राम बनाना है, और जो न्यू वर्ड आएगा, एनाग्राम जो आएगा, वो एक प्लेस है जहाँ आप कुक करते हैं, मीन्स किचन, KITCHEN, किचन. ओके, अब देखिए, अस्लिप इनटू अ वर्ड यूज्ड टू रिक्वेस्ट. अस्लिप वर्ड का एनाग्राम हम बनाएंगे, और जो वर्ड आएगा नया वो यूज किया जाता है रिक्वेस्ट करने के लिए. तो इसमें देखिए क्या होगा, PLEASE, प्लीज. फ्रेंज वर्ड से जो एनाग्राम बनेगा वो क्या होगा, पार्ट ऑफ द बॉडी. तो देखिए इसका एनाग्राम होगा FINGER, फिंगर. बियर्ड इंटू समथिंग यू कैन ईट, बियर्ड वर्ड का एनाग्राम वो वर्ड होगा जो कि आप खा सकते हैं, समथिंग दैट यू कैन ईट. सो BREAD, ब्रेड. चेन इंटू अ कंट्री, चेन वर्ड का एनाग्राम बनाना है जो कि किसी कंट्री का नेम है, तो ये हो जाएगा CHINA, चाइना. थिंग का जो एनाग्राम बनाएंगे वो क्या होगा, टाइम ऑफ डे, तो ये हो जाएगा NIGHT, नाइट. सो ये थी आज की वीडियो. आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.